हेलो दोस्तों, मैं सलीम भाटी, आप देख रहे हैं सलीम द टूलमैन और टूल्स की एक नई वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप टूल्स की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, औजार में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप मिस्त्री हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके काम को आसान बनाने का काम मैं करता हूँ और आपके लिए हर दिन नए औजार नए टूल्स लाने का काम मैं करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मेरे काउंटर पे आपको दो चीज़ रखी हुई दिखाई दे रही है और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि बोस कंपनी का एंगल ग्राइंडर और बोस कंपनी का कटर मशीन मेरे काउंटर पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बोस कंपनी के एंगल ग्राइंडर के ऊपर बताना चाहता हूँ कि आपको डब्बा दिखाई दे रहा है कितना स्मूथनेस और ब्लू कलर का डब्बा है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि बोस कंपनी का ओरिजिनल ग्राइंडर है जो मार्केट के अंदर आपको 2500 रुपए का मिलेगा। और इसकी अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या साथ में आएगा, क्या इसको मिलने वाला कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया, आपको एक सेफ्टी हैंडल मिलेगा और आपको एक एंगल ग्राइंडर मिलेगा बोस कंपनी का, और इसके साथ में आपको एक चाबी मिलेगी जो इसको खोलने के काम आएगी, ब्लेड टाइट करने के काम आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वायर से स्टार्ट करेंगे। वायर इसका 0.5 mm की कॉपर की लीड से बना है और लमसम 2.5 मीटर लंबी लीड इसकी कंपनी ने दी है। बोस कंपनी का जानदार एंगल ग्राइंडर है। आगे के जो डब्बी इसकी दी गई है, वो डब्बी इसकी प्लास्टिक की दी गई है, जिसके साथ में बेयरिंग साथ में आता है। और आपको जो एलकी के नट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो और एंगल ग्राइंडर में आपको प्लस माइनस का नट मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टार एलकी का नट लगाए गए हैं जो और मजबूती प्रदान करता है बोस कंपनी ग्राइंडर को। बात करें इसके वाट की, तो इसका वाट होने वाला 670 वाट ओरिजिनल वाट है। और आपको 100 mm का 4 इंच का एंगल ग्राइंडर ये मिलेगा, जिसका मॉडल M10 है। M10 का मतलब कि M10 की डिस्क, इसमें आप डाल के आप लकड़ी के काम में ले सकते हैं, लोहे के काम में ले सकते हैं। आप किसी भी तरह का काम क्यों ना करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एंगल ग्राइंडर की जरूरत रहेगी। आपको एंगल ग्राइंडर लोहे काटने का काम करते हो, आयरन काटने का काम करते हो, दीवार काटने का करते हो, लकड़ी का करते हो, आप एल्युमिनियम का करते हो, तो ग्राइंडर आपको जरूरत रहेगी। आपको बोस कंपनी का एंगल ग्राइंडर लेना चाहिए, जिसकी कॉस्ट बाटी टूल हम आपको उपलब्ध करवा के देगा सिर्फ 2150 रुपये में। ओरिजिनल बोस का एंगल ग्राइंडर जो जानदार चीज आती है और जानदार कंपनी है। इसके बाद में अपने बात करते हैं दूसरे में, कटर मशीन की है, वो मेरे पास कटर मशीन है बोस कंपनी का, आपको दिखाई दे रहा है 1250 वाट का बोस कंपनी का कटर मशीन है। डब्बा इसका थोड़ा सॉलिड है, कंपनी का कलर ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, जानदार जेनोन कलर है, पेंटेंट कलर है कंपनी का। इसके अलावा बात करें बोस की कटर मशीन की, तो इसको एक अलग ही तरीके से फिट किया गया है, आप देख पा रहे हो। इसका मॉडल नंबर आपको मिलेगा GDC 121 मॉडल मिलेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका वाट होने वाला है 1250 वाट की 5 इंच की ये कटर मशीन है। M6 मॉडल है इसको, और आगे का जो डब्बी बनाई गई है वो आपको अलग ही तरीके से है। इसकी डब्बी मतलब किसी में मेच खाती नहीं है, बोस कंपनी का जेन्युइन लोगो आपको दिखाई दे रहा है, जानदार चीज है, हल्की नहीं है, बहुत बढ़िया चीज बनाई गई है बोस कंपनी द्वारा। और इसके साथ में आपको एबीवा सर चाबी और एक नट एक एल की आपको मिलेगी, इसमें ये साथ में आता है, इसके अलावा इसके साथ में कुछ नहीं आता। और प्लेट की बात करें तो प्लेट इसको इसके अंदर जो है आपको दिखाई दे रही है प्लेट, 4 इंच का प्लेट है और बढ़िया चीज है दोस्तों, आप ले सकते हो उसको। वायर भी इसका 0.5 mm की कॉपर की लीड से बना है और 2 कोर का वायर है, बहुत बढ़िया चीज है। 2.5 मीटर 3 मीटर की लेंथ इसकी दी गई है। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस होने वाला है 3850 रुपये
3,850 रुपये में भाटी टूल हम आपको उपलब्ध करवा के देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोस कंपनी काफ़ी साल पुरानी और जेन्युइन कंपनी है, और बोस के आगे फिर कुछ नहीं है, बोस नाम ही ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप टूल्स की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, टूल्स के औजार में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके आपके काम को आसान बनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।